नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुनाशी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें आपको, कोरोना को लेकर लगातार यहां पर बैठक जारी है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। वहीं साथ ही साथ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल कोरोना को लेकर लगातार बैठक जारी है। जिस तरीके से 43 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, केरल की बात की जाए तो केरल में एक छोटे से बच्चे को, यानी कि 3 साल के बच्चे को भी संक्रमण हो गया। वहीं 3 नए मामले सामने आने से हड़कंप भी मच गया है। ऐसे में आपातकालीन बैठक है और जिस तरीके से कोरोना का खौफ देश में बढ़ता जा रहा है, उससे भी निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बात की जाए यहां पर इक्विपमेंट्स की, आप बात कर लीजिए, आप सैनिटाइजर की बात कर लीजिए, मास्क की बात कर लीजिए, इसकी जो भी किल्लत हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। और सबसे बड़ा विषय यहां पर यह है कि आखिर इस महामारी से कैसे निपटा जाए। 43 नए मामले, जिनमें से 3 मामले ठीक हो चुके हैं। और बता दें आपको कि एमसीडी के 3 मेयर्स भी इस बैठक में शामिल हैं। तो यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कोरोना से निपटने के लिए। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। ललित, 3 नए मामले और सामने आए हैं, कह सकते हैं कि महामारी पूरे में फैल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए ये कदम आज की जो बैठक होने जा रही है उसमें यही सारा एजेंडा होने वाला है। और इसी बैठक में जो है कई एलजी पहुंचे हुए हैं। बड़े स्तर की बैठक है ये वाराणसी, जिसमें कि एलजी पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, सत्येंद्र जैन हैं, तीनों एमसीडी के कमिश्नर, तीनों एमसीडी के मेयर और इसके अतिरिक्त जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और बैठक हो रही है और दिल्ली की तैयारियों को लेकर ये रिव्यू हो रहा है कि आखिर किस तरह से हमें कैसे क्या करना है और किस तरह जो एक केस आज भी दिल्ली से आया है तो उसको लेकर कैसे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना है। जी ललित, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है, पुख्ता तैयारियां कर रही है, लेकिन वायरस उससे एक कदम आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, दरअसल ये जो मामले निकल कर सामने आए हैं, अब अगर आप वाराणसी यूपी के एक मामले का जिक्र कर लीजिए जो मेरठ में है, उसकी अगर आप सीरीज को देख लें तो वो शख्स ये उन्हीं लोगों से इन्फेक्टेड हुए हैं जो आगरा में 6 लोग इन्फेक्टेड हुए थे और आगरा के 6 लोगों को दिल्ली के एक शख्स ने इन्फेक्ट किया था। यानी दिल्ली से होते हुए वो आगरा गया, आगरा से जाते हुए मेरठ गया। तो इस तरह से ये सीरीज ऐसे चल रही है, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड आदमी है अगर वो किसी के संपर्क में आ रहा है तो उससे जो है उसको परेशानी बढ़ रही है और वही परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं और वो जितनों के भी टच में आए हैं उन सभी की प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तभी इस पूरे मामले में जो है सही तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ललित, एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो बड़ा फैसला लिया गया और गाजियाबाद में जो हज हाउस है उसको आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया, तो अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी कुछ ऐसी व्यवस्था देखने को मिल सकती है। देखिए दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है, दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों में जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं और अपनी तरफ से तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार को पिछली मीटिंग में ही यहाँ पर निर्देश दिया गया था। तो आज उस चीज की भी यहाँ पर रिव्यू होगा कि दिल्ली सरकार को जो पिछली बार कहा गया था करने के लिए, क्या वो उन्होंने किया या नहीं किया, ये सारी चीजें जो है वो तय होंगी। ललित, अच्छा एक चीज हम और देखेंगे, अगर हम आम जनता की भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में जनरली जो लोगों को जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, लोग इसको भी कोरोना समझ रहे हैं और ये बहुत बड़ी वजह है कि लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल भी एक बात कही थी कि उन्होंने मास्क को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि आखिर मास्क के लिए जो बाजारों में हाई टोबा मची है उस हाई टोबा को वास्तव में मचाने की जरूरत है या नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि मास्क केवल वही लोग पहने जो जिन्हें किसी भी तरह की खांसी या फिर जुकाम जैसी चीजें हों। दूसरी बात यह है कि हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई भी जैसे जुकाम आपको हो रही है, खांसी हो रहा है, तो आप लोगों को फिर उसे पहनना चाहिए ताकि किसी भी तरह की संभावना से बचा जा सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जल्दी जो है वायरस अपना अटैक करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों को भी एड्रेस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस वायरस पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन मौसम में
ये भी कहा जा रहा है कि अगर मौसम में टेम्परेचर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इस वायरस के लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई है, बारिश के बाद फिर तापमान गिर गया है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कुछ दिन और जो है हमको अपने एहतियात को बनाकर रखना होगा। और जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तब तक इस बीमारी को लेकर जो है अपनी तैयारियों को पूरा रखना होगा। बिल्कुल ललित, तो लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो बैठक भी जारी है कोरोना वायरस को लेकर। अपडेट्स के साथ आपसे जल्द जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए। तो बता दें कि कोरोना वायरस पर निर्माण भवन में लगातार बैठक जारी है। बैठक में सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद है, साथ ही साथ तीनों मेयर और कमिश्नर भी एमसीडी के यहाँ पर मौजूद हैं।